नमस्कार सभी किसान भाइयों का, और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल शुगर कैन फार्मिंग में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बहुत ही अच्छे टॉपिक पे, जो हम हरे चारे में इस समय चरी की बुआई या ज्वार की बुआई जो करते हैं, तो उसमें इस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण से भाइयों इसमें एक सुंडी लगती है। आपको मैं अभी दिखाऊंगा, पूरी दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से प्रयोग किया इसको रोका जाए, इसके बारे में मैं बताऊंगा। एक छोटा सा वीडियो है, पूरा वीडियो देख लीजिएगा भाइयों। और बहुत ही जल्दी अटैक करती है, और सुंडी का अगर पूंगी खा ली उसने, अगर पूंगी आपकी सूख गई तो वो उसकी बढ़वार नहीं हो पाएगी, वो वहीं पे रुक जाएगा, पौधा जो होगा वो वहीं पे हो जाएगा, उसकी ग्रोथ वगैरह नहीं होगी, ना उसकी लंबाई हाइट कुछ भी नहीं होगी। तो भाइयों पहली बात तो आप पानी लगाएं, पानी बहुत महत्वपूर्ण है, पानी लगाएं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे चल रहा है पानी, पानी को भर दें खेत से, और मैं तरीका बताऊँगा। पहले मैं दिखा देता हूँ आपको उसके लक्षण क्या है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए पूंगी सूख चुकी है चारे की, ये चरी की ज्वार बोई रखी है जी, इसकी देख सकते हैं यहाँ से पूंगी सूख गई, पौधा आपका बेकार हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी 30 से 35% तक हो चुकी है खेत में। और पानी लगाने के बाद में, पानी जब आपकी नमी जो पानी है खेत का सूख जाए लगाने के बाद में भाइयों, उसके बाद में आपको क्या करना है, एक बीघे में 20 ml आपको कोराजिन ले लेना है और स्प्रे कर देना है कोराजिन का। और कोराजिन से भाइयों एक तो आपकी ये सुंडी भी जाएगी, और दूसरी बात आपके जो ये चारा है इसकी बहुत ही अच्छी हरापन और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और किसी और कीटनाशक का ना प्रयोग करें आप, मार्केट में बहुत से सारे कीटनाशक होते हैं, तो हम अपने इससे रोकथाम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और 20 ml मैंने आपको बता दिया है, एक टंकी में लेना है, 15 से 20 लीटर पानी काफ़ी है। और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से सूख जाते हैं, देखिए ये अक्सर जब हमारा टम्परेचर 40 के करीब में जाता है किसान भाइयों, 38 या 36 के ऊपर क्रॉस होता है, तब यही लक्षण आते हैं हरे चारे में। तो भाइयों मैंने आज इस टॉपिक पर बताया है, और आप लोगों को ज़रूर वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे भाइयों को तो लाइक तो आप करेंगे ही, बिना लाइक के नहीं जाएंगे। और अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो अच्छे टॉपिक पे आते हैं, सारे वीडियो देखिए एग्रीकल्चर के रिलेटेड वीडियो हैं। तो धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। आप लोगों को इस टॉपिक पर बताया हरे चारे में जो सुंडी लगती है, तो लाइक करके लाइक का बटन दबा दें। धन्यवाद।